गुड नून एवरीवन, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका टीचर एम एस अली फ्रॉम बिहार। मैंने बहुत सारे वीडियोज आपको दी है ब्रिटिश और अमेरिकन अंग्रेजी से संबंधित, यानी ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश से संबंधित आपने बहुत सारे वीडियोज़ देखी होंगी। अगर आपने नहीं देखी हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो उन वीडियोज़ को भी आप देखने की कोशिश करना। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बना रखी है, जैसे कि ब्रिटिश वीएस अमेरिकन वर्ड्स पर बहुत सारे वीडियोज़ हैं, जैसे कि ब्रिटिश वीएस अमेरिकन सेंटेंसेस पे भी हैं, जैसे कि ब्रिटिश वीएस अमेरिकन स्पेलिंग्स पे भी हैं, ब्रिटिश वीएस अमेरिकन प्रोनंसिएशंस पे भी हैं। यानी इन दोनों देशों की जो इंग्लिश है ना, उनको जानना हम सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए मैंने इतनी सारी वीडियोज़ आपको दे रखी है। मैं मुद्दे की बात करता हूँ और आता हूँ मुद्दे पर। और सबसे पहली चीज़ कि जो आज वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे सेंटेंसेज है जो हम सजेस्ट करते हैं, दूसरों से सुझाव लेते हैं, दूसरों से हम आइडिया लेते हैं, और वैसे सेंटेंसेज हमारे डब्ल्यू एच फैमिली के होते हैं, यानी वैसे सेंटेंसेज हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज के होते हैं, यानी जिसको हम कहते हैं डब्ल्यू एच सेंटेंसेज भी। तो उन सेंटेंसेज में जब हम सजेस्ट करते हैं ना, तो दो तरीकों से करते हैं। तरीका नंबर वन कि हम अमेरिकन इंग्लिश का प्रयोग करते हैं और अमेरिकन सेंटेंसेज को बोलते हैं। प्रयोग नंबर दो, यानी तरीका नंबर दो कि आप ब्रिटिश को फॉलो करते हो और ब्रिटिश वाले सेंटेंसेज बोलते हो। लेकिन आज की जो वीडियो है, जो सेंटेंसेज मैं आज आपको बताने वाला हूं, वो सेंटेंसेज ज्यादातर अमेरिकन में बोले जाते हैं, यानी हम लोगों के द्वारा ज्यादातर अमेरिकन अंग्रेजी का इस्तेमाल किया जाता है, जो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। वैसे देखा जाए तो ब्रिटिश इंग्लिश का ही प्रचलन भारत में सबसे ज्यादा है, यानी 70% हम ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं, जबकि 20-30% हम अमेरिकन को फॉलो करते हैं। तो देखते हैं आज की वीडियो कि आज की वीडियो में मैं आपके लिए क्या लाया हूं जो आपके लिए बहुत ही खास है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है अमेरिकन वीएस ब्रिटिश सेंटेंसेस, यानी एक ही हिंदी वाक्य के दो सेंटेंसेस, एक को ब्रिटिश में कहा गया है और दूसरे को अमेरिकन में कहा गया है। और जो अमेरिकन तरीका है वो हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इन सेंटेंसेस के लिए। तो देखते हैं, कहाँ जाऊँ, क्या करें, कैसे पढ़ूँ, किसे पढ़ाऊँ, है ना, कहाँ अंग्रेजी सीखूँ, है ना, कैसे उससे बात करूँ, कब उससे मिलूं, इस प्रकार के बहुत सारे सेंटेंसेस आप बोलते हो। और जब आप बोलते हो ना, तो आप सजेस्ट करते हो, आप सुझाव लेते हो, किसी से आइडिया लेते हो कि मैं ये काम कैसे करूं। यानी कोई कार्य कैसे हो, आप जब भी सजेस्ट करते हो ना, तो आप ऐसे सेंटेंसेस को दो तरीके से बोलते हो। जो तरीका नंबर वन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा प्रीवेलेंट है, बहुत ही ज़्यादा करेंट है, यानी प्रचलित है, और जो दूसरा तरीका है वो उतना नहीं है। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि जो दो तरीके मैंने बताए हैं, उन दोनों तरीकों में कौन सा तरीका अमेरिकन का है और कौन सा तरीका ब्रिटिश का है। तो कहाँ जाऊँ, वेयर टू गो, कहाँ पढ़ूँ, वेयर टू रीड, कहाँ देखूँ, वेयर टू सी, कहाँ बैठूँ, वेयर टू सिट, कहाँ काम करूँ, वेयर टू वर्क, कहाँ अंग्रेजी पढ़ाऊँ, वेयर टू टीच इंग्लिश, इस प्रकार से आप हज़ारों सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हो। अब दूसरे की बात करें, क्या करें, वॉट टू डू, है ना, क्या न करें, वॉट नॉट टू डू, है ना, क्या देखें, वॉट टू सी, क्या खाएं, वॉट टू इट, क्या पिएं, वॉट टू ड्रिंक, आप ऐसे सेंटेंसेस को फ्रेम करते हो जो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। अब बात करते हैं कैसे पढ़ूँ, हाउ टू रीड, कैसे जाऊँ, हाउ टू गो, कैसे आऊँ, हाउ टू कम, कैसे देखूँ, हाउ टू सी, कैसे नृत्य करूँ, हाउ टू डांस, कैसे गाऊँ, हाउ टू सिंग। तो ये तो हमने जो भी आपको बताया है, ये अमेरिकन स्टाइल है, यानी ये अमेरिकन सेंटेंसेस है जो मैंने अभी बोला है, जो बहुत ही शॉर्ट में बोला जाता है और बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में भी है। लेकिन अब हम बात करेंगे कि अभी जितने सेंटेंसेस हमने बोले वो अमेरिकन थे, तो ब्रिटिश में हम कैसे बोलेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ब्रिटिश में आपको शुड के द्वारा बोलना होगा, क्योंकि इसमें एक सेंस छिपा है कि मैं कहाँ जाऊँ, इसमें एक सेंस छिपा है कि मैं कहाँ जाऊँ या मुझे कहाँ जाना चाहिए। अगर मैं कहता हूँ कि कहाँ जाऊँ, तो इसमें दो सेंस छिपे हैं। इससे जो कनेक्टेड सेंस है वो क्या है, वो है कि मैं कहाँ जाऊँ, और दूसरी चीज़ कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। यानी आप किसी से सजेस्ट कर रहे हो, आप किसी से आइडिया ले रहे हो, आप किसी से सुझाव ले रहे हो। जैसे कि दूसरा सेंटेंस है कि क्या करें, इसमें क्या छिपा हुआ है कि हम क्या करें या हम लोग क्या करें। और इसका जो डिफरेंट सेंस छिपा है वो क्या है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए या हमें क्या करना चाहिए। तो सेंस तो चाहिए जैसा है ना, तो इसके अकॉर्डिंग ब्रिटिश वाले कभी भी वेयर टू गो, व्हाट टू डू, हाउ टू रीड, व्हेन टू कम, हाउ टू सिट ऐसा नहीं बोलते, बल्कि वो शुड के अकॉर्डिंग बोलते हैं। जब कभी भी आपको उनकी मात्रा आए ना,
तो आप समझना कि मैं की बात हो रही है, और जब भी एक ही मात्रा आए ना, करें, आए, जाएं, खाएं, पिए, तो आप समझना कि वहाँ पर वी मान करके यानी हम लोगों की बात की गई है। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे कहाँ जाऊँ यानी मुझे कहाँ जाना चाहिए, ओके, मुझे कहाँ जाना चाहिए, तो वेयर शुड आई गो, मुझे कहाँ जाना चाहिए, इसमें यही तो सेंस है कि मैं कहाँ जाऊँ, है ना, या फिर कहाँ जाऊँ, मुझे कहाँ जाना चाहिए। अब दूसरे की बात करें, क्या करें, तो यहाँ पर एक की बात नहीं हो रही है, अनेक की बात हो रही है कि हम कहाँ जाएं, यानी हमें कहाँ जाना चाहिए, तो वेयर शुड वी गो, वेयर शुड नहीं, हम क्या करें यानी हम लोगों को क्या करना चाहिए, ये सेंस है, मैंने गलती से बता दिया है आपको, तो हम बनाएंगे व्हाट शुड वी डू, व्हाट शुड वी डू। अब थर्ड वाले को देखते हैं, कैसे पढ़ूँ, यानी इसमें क्या सेंस छिपा है कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए, तो कैसे पढ़ूं, तो इसमें यह सेंस छिपा है कि मुझे कैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि ऊं की मात्रा आने पर आप आई मानकर चलोगे, और फिर से ऊं की मात्रा आने पर आई मानकर चलोगे, और यदि ए की मात्रा आ रही हो तो आपको वी मानकर चलना है, तो यहां तो ऊं की मात्रा है ना, कैसे पढ़ूं, कैसे जाऊं, कैसे आऊं, सब में ऊं की मात्रा है, सो आप आई मानकर चलोगे, हाउ शुड आई रीड या हाउ शुड आई स्टडी, इस प्रकार से। अब मैं इन तीनों को फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, कहाँ जाऊँ, वेयर टू गो, सबसे छोटा, सबसे स्मॉल और सबसे सटीक तरीका है जो अमेरिकन लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, वेयर टू गो, ओके। अब ब्रिटिश लोग ऐसा ना कह के वो शुड के अकॉर्डिंग इसको ले चलते हैं और कहते हैं वेयर शुड आई गो। दूसरा है क्या करें, तो वॉट टू डू अमेरिकन स्टाइल में, ओके, और जब ब्रिटिश स्टाइल में आपको कहना हो, या ब्रिटिशर्स जो कहते हैं वो व्हाट टू डू नहीं कहते हैं, वो कहते हैं व्हाट शुड वी डू, व्हाट शुड वी डू, जो मैं सेंस आपको समझा चुका हूँ। कैसे पढ़ूँ, तो हाउ टू रीड, ये तो अमेरिकन स्टाइल हुआ, या हाउ टू स्टडी, लेकिन ब्रिटिश स्टाइल जो है वो है कि हाउ शुड आई रीड। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे आज के दो ऐसे सेंटेंसेज जो एक ही हिंदी वाक्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन एक तरीका अमेरिकन है और एक तरीका ब्रिटिश है, यानी एक तरीके का प्रचलन अमेरिकन में सबसे ज़्यादा होता है और दूसरे तरीके का जो प्रचलन है वो ब्रिटिश में हुआ करता है। आपको तो जानकारी दोनों होना चाहिए ना, क्योंकि अगर आप दोनों की जानकारी रखते हो तभी तो आप अंग्रेजी के एक अच्छे ज्ञाता कहला सकते हो, अंग्रेजी का जानकार कहला सकते हो, क्योंकि सिर्फ आप ब्रिटिश इंग्लिश जान करके अच्छी अंग्रेजी आप नहीं जान सकते, या अच्छी अंग्रेजी आप नहीं बोल सकते, या किसी दूसरे पर्सन से अगर आप कन्वर्सेशन करते हो तो उस दौरान आप अच्छे तरीके से अंग्रेजी नहीं समझ सकोगे या नहीं बोल सकोगे, अगर बोल भी लेते हो ना तो समझ नहीं सकोगे। अगर दूसरा पर्सन को अगर ज़्यादातर अमेरिकन इंग्लिश की जानकारी हो तो वो तो अमेरिकन ही बोलेगा, तो वैसी सिचुएशन में क्या होगा, आप थोड़ा सा मार खा जाओगे। इसलिए मैंने अपने चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ दे रखे हैं आपको अमेरिकन और ब्रिटिश को लेकर के, आप देखोगे मज़ा आ जाएगा। मैं उम्मीद के साथ ये बात कह रहा हूँ, पूर्ण विश्वास के साथ, कि वो सारी वीडियोज़ भी आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित होंगी। लेकिन कब, जब ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तभी आप उन वीडियोस को देखने की कोशिश करना, आपको हेडिंग में मिल जाएगा अमेरिकन वीएस ब्रिटिश या ब्रिटिश वीएस अमेरिकन, जितने भी वीडियोस हैं आप एक एक करके देख के मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और इस वीडियो को भी देखने के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, क्या आपको ऐसी और भी वीडियोस की ज़रूरत है, तो मैं तुरंत आपके लिए ले आऊँगा आपके खिदमत में, यानी आपके एजुकेशन को और भी डेवलप करने के लिए, आपकी नॉलेज को और भी ज़्यादा एनहेंस करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको हैव अ हैप्पी लर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स।